हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों आज मैं जैसा कि आपको पता है कि स्कोर कार्ड आ चुका है एएलपी का, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एएलपी साइको का स्कोर कार्ड के अनुसार आपका कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप साइको के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसा कि आपको पता है कि 6 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 6 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। और फ्रेंड्स बात किया जाए तो 16 अप्रैल से आपका साइको का एग्जाम भी स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना है, जिसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या स्कोर कार्ड आने के बाद कि आपका अगर इसके बीच में आया है तो आप साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर बात करें 22 तारीख के पहले शिफ्ट का, अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट का, अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 22 तारीख के पहले शिफ्ट में किसी का भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ा नहीं है, नो नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नंबर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में अगर बात किया जाए, जैसे 21 का अगर सेकंड शिफ्ट का बात किया जाए, तो फ्रेंड्स 21 के सेकंड शिफ्ट में आपका 18 से 21 नंबर इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर बात किया जाए 8 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, 8 फरवरी को एग्जाम जो हुआ था, उसमें अगर पार्ट बी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पार्ट बी में क्या हुआ है, पार्ट बी में फ्रेंड्स टेक्निकल में आपका नंबर जो है डिक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, कहें तो 10 से 15 नंबर, यहां तक 18 नंबर भी डिक्रीज हुआ है। तो इसके कारण क्या हुआ है, 8 तारीख को बहुत कोई पार्ट ए में तो अच्छा नंबर लाए, लेकिन पार्ट बी में क्या हो गया है, इस कारण पार्ट बी में बहुत स्टूडेंट्स, बहुत कैंडिडेट फेल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज को ध्यान रखते हुए मैंने कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए लाया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस जोन का, किस किस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा फ्रेंड्स, वो सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और कितना वैकेंसी था उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जाएगा फ्रेंड्स, सब कुछ डेटा हमने प्रिपेयर किया है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले सिकंदराबाद की बात करते हैं। सिकंदराबाद जोन का बात करें तो वैकेंसी आपका 3133 वैकेंसी है फ्रेंड्स, और 8 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा इसमें, जैसे 25,064 बच्चों का सिलेक्शन होगा साइको के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप बताएं अगर कट ऑफ की बात करें तो सिकंदराबाद से यूआर में जिसने 42 से 50 तक लाया है वो क्या है, सेफ जोन के अंदर है, मतलब 42 से 50 के बीच में जिनका भी नंबर है वो सेफ जोन में है फ्रेंड्स। अगर बात करें आपका ओबीसी का, ओबीसी जिन्होंने भी 40 से 45 के बीच में लाया वो भी सेफ जोन में है। अगर एससी का बात करें फ्रेंड्स, तो 38 से 42 के बीच में जिन्होंने भी लाया है वो सेफ जोन में है फ्रेंड्स। और एसटी का अगर बात करें तो 35 प्लस जिन्होंने भी लाया है वो सेफ जोन में है। चलिए बात करते हैं चेन्नई बोर्ड का अगर बात करें तो वैकेंसी, अगर बात करें तो वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन 761 वैकेंसी थी। ठीक है, और साइको में सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा, तो 6,088 बच्चों का सिलेक्शन होगा साइको में। अगर बात करें यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, वैसे तो साउथ में है लेकिन कट ऑफ हाई इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ की, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कम है थोड़ी। यूआर का अगर बात करें तो 44 से 52 के बीच जो भी लाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे साइको के लिए। फ्रेंड्स ये मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये आपको साइको के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। स्कोर कार्ड आने के बाद आप साइको की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैं आपको पहले कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ओबीसी का बात करें फ्रेंड्स, तो चेन्नई में ओबीसी का 41 से 50 के बीच में अगर जिनका भी रहेगा वो क्या हो जाएंगे, साइको की तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर एससी का बात करें तो एससी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एससी में 39 से 42 के बीच में जिनका भी होगा, 39 से 42 के बीच में जिनका भी होगा वो भी अपनी साइको की तैयारी स्टार्ट करें। और एसटी की अगर बात करें तो 37 से प्लस जिनका भी होगा वो एसटी साइको की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भोपाल जोन का, तो भोपाल जोन का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो भोपाल में 1110 क्या है नंबर ऑफ पोस्ट है, और इसमें सिलेक्शन कितने का किया जाएगा साइको के लिए, 8,810 का सिलेक्शन किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर भोपाल से बात करें तो यूआर में जो कैंडिडेट 47 से 54 के बीच में लाएंगे उनका वो साइको की तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें ओबीसी का, तो 43 से 47 जिनका भी आएगा वो साइको की तैयारी कर सकते हैं। एससी का बात करें तो एससी में 40 से 44 और एसटी में आपका 38 से 41 फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अलाहाबाद जोन से, अलाहाबाद जोन का बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अलाहाबाद जोन में वैकेंसी आपकी बहुत ज्यादा थी, 4,236 वैकेंसी है, जिस कारण यहाँ बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप भी हुआ है। यहाँ 8 गुना अगर बच्चे को लिया जाएगा साइको में, तो 33,888 बच्चों को साइको के लिए लिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ कट ऑफ की बात करें तो यूआर की अगर बात करें तो यहाँ भी यूआर का जो रहेगा वो करीबन 46 से आपका बात करें तो 53 तक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी का अगर बात करें तो यहाँ 43 से 48 के बीच में जिनका भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे साइको के लिए। एससी में अगर बात करें तो 39 से 44 और अगर एसटी में बात करें फ्रेंड्स, तो एसटी में 37 से 41 जिनका भी आएगा वो क्या हो जाएंगे, साइको के लिए तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 5वां नंबर तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम था, 162 पोस्ट है,
केरला में तिरुवनंतपुरम में, जिसमें साइको के लिए सिलेक्शन होगा 1344 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ या बात करें यूआर का जनरल कट ऑफ कितना जाएगा, तो तिरुवनंतपुरम में भी फ्रेंड्स आपका जनरल कट ऑफ 44 से 50 के बीच में रहेगा। ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी का आपका 40 से 44 के बीच में रहेगा फ्रेंड्स। एससी का बात करें तो एससी का जिनका भी नंबर 40 प्लस है तो वो अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी का बात करें तो एसटी का भी जिनका भी 38 प्लस है तो वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं साइको का। चलिए अगले बोर्ड पे चलते हैं। छठे नंबर बोर्ड जो है फ्रेंड्स अजमेर जोन है, अजमेर जोन में नंबर ऑफ पोस्ट 1108 है। यहाँ बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है फ्रेंड्स, और जो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो 8810 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर यूआर का बात करें फ्रेंड्स, तो यूआर में यहाँ 48 से 54 सबसे मैक्सिमम को लगता है यही जाएगा, 48 से 54 कट ऑफ रहेगा यूआर का। अगर बात करें हम अजमेर जोन का, ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी का भी बहुत कम नहीं जाएगा, इसका भी जाएगा 44 से 48 के बीच में जाएगा। एससी का बात करें फ्रेंड्स, तो एससी का 41 प्लस जिसका भी रहेगा वो साइकिल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और एसटी का बात करें तो 39 प्लस जिनका भी रहेगा वो साइकिल की तैयारी अपना स्टार्ट करें। चलिए चलते हैं अगले जोन पे, गुवाहाटी जोन का बात करते हैं। गुवाहाटी जोन में नंबर ऑफ पोस्ट 420 है, जिसमें साइको के लिए सिलेक्शन जो होगा वो 3360 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, और साइको एग्जाम देंगे वो। अब बात करते हैं गुवाहाटी जोन में यूआर का कितना रहेगा, तो गुवाहाटी जोन में यूआर का जो रहेगा वो रहेगा 45 से 50 के बीच में रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी का आपका 41 से 48 के बीच रहेगा फ्रेंड्स। एससी का अगर बात करें तो एससी का रहेगा 39 से 43 के बीच में। और अगर एसटी का बात करें फ्रेंड्स, तो 35 से 40 जिनका भी आएगा वो साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले जोन में, चंडीगढ़ जोन से बात करते हैं। चंडीगढ़ जोन में आपका 1308 वैकेंसी है फ्रेंड्स, 1308 वैकेंसी है, जिसमें आपका 10464 बच्चों का सिलेक्शन होगा साइको एग्जाम देने के लिए। अगर बात करें यूआर का, तो चंडीगढ़ जोन से यूआर का जो आपका जाएगा वो 45 to 53 जिनके भी नंबर रहेंगे उनका सिलेक्शन आपका यूआर में हो जाएगा। अगर बात करें ओबीसी का, तो 41 से 48 के बीच में अगर जिनका भी नंबर है, प्लस माइनस 2 लेके चले फ्रेंड्स, प्लस माइनस 2 भी अगर उसके अंदर आप आ रहे हैं तो आप अपनी साइको का तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अगर एससी का बात करें फ्रेंड्स, चंडीगढ़ जोन से एससी का रहेगा 38 से 44 के बीच में जिनके भी नंबर आएंगे वो अपने तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं साइको का। एसटी का बात करें फ्रेंड्स, तो 38 प्लस जिनका भी नंबर है, 37 प्लस वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं अगले जोन में, बैंगलोर जोन में बात करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एएलपी के लिए बता रहा हूँ कि अगला जो एग्जाम होगा साइको का उसके लिए आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं बैंगलोर का, तो बैंगलोर का बात करें तो बैंगलोर में आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1623 है फ्रेंड्स, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा 12948 नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर यूआर की बात करें फ्रेंड्स, तो यूआर में अगर बात करें तो जिनका भी नंबर 45 प्लस है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओबीसी का बात करें तो 41 प्लस जिनका भी नंबर है वो साइकिल की तैयारी स्टार्ट करें। और एससी का बात करें तो 38 प्लस और एसटी का 36 प्लस जिनका भी नंबर है वो अपने साइकिल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर देखिए, 10वां जोन जो है मुंबई जोन है फ्रेंड्स। मुंबई जोन की अगर बात करें तो मुंबई जोन में 1866 पोस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें 14928 बच्चों को लिया जाएगा। और यूआर की अगर कट ऑफ की बात करें तो मुंबई जोन में यूआर की कट ऑफ आपकी 45 से 53 के बीच में रहेगा, 45 टू 53 के बीच में रहेगा। अगर ओबीसी का बात करें फ्रेंड्स, मुंबई जोन से अगर ओबीसी का बात करें तो मुंबई जोन में आपका ओबीसी का 42 to 48 मीन्स मानिए 42 से 48 प्लस 48 के बीच में जिनका भी है वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मुंबई जोन में एससी का बात करें तो 39 से 44 और एसटी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एसटी का आपका 37 प्लस अगर जिनका भी नंबर है वो अपने इसको साइकिल की तैयारी स्टार्ट करें फ्रेंड्स। रांची का बात करते हैं फ्रेंड्स, रांची से फॉर्म फिलअप अच्छा खासा हुआ था। यहाँ वैकेंसी कितनी है, 2031 वैकेंसी है फ्रेंड्स। और यहाँ जो बच्चों को लिया जाएगा साइको के लिए 16248 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ की यूआर की बात करें तो रांची में यूआर की अगर बात करें तो जिनके भी नंबर 45 से 53 के बीच है वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ओबीसी का बात करें दोस्तों, तो 41 से 47 के बीच में जिनका भी नंबर है वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट करें। और एससी का बात करें तो एससी में 38 से 43 जिनके भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और एसटी की बात करें फ्रेंड्स, तो एसटी में 36 प्लस जिनके भी नंबर है वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अहमदाबाद जोन का बात करते हैं। अहमदाबाद जोन का अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी, 365 सीट्स थी फ्रेंड्स। यहाँ बच्चों का जो सिलेक्शन होगा 2920 बच्चों का सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। अगर यूआर की यहाँ बात करें अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा, 44 से 52 रहेगा फ्रेंड्स। अगर ओबीसी का बात करें तो 40 प्लस जिनके भी नंबर है वो
आपके क्वालिफाई कर जाएंगे साइको के लिए, और एससी की बात करें तो 38 प्लस जिनके भी नंबर हैं वो साइको में क्वालिफाई कर जाएंगे और साइको के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और एसटी की बात करें तो 35 प्लस जिनके भी नंबर हैं वो साइको के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कोलकाता जोन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कोलकाता जोन में वैकेंसी जो है फ्रेंड्स 1409 वैकेंसी है। कितना है? 1409 वैकेंसी है फ्रेंड्स, जिसमें आपके बच्चे जो लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे, 11272 बच्चे को लिया जाएगा। अगर इसमें बात करें यूआर का कितना कट ऑफ जाएगा, तो यूआर का कट ऑफ आपका 48 से 53 के बीच में रहेगा फ्रेंड्स। 48 से 53 की जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे आपको पता चल जाएगा 6 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि साइको का एग्जाम 16 अप्रैल से स्टार्ट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके लिए कट ऑफ बना दिया हूं, जिससे आपको क्या कर सके, आज ही से आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सके साइको की। अगर इसके बीच में है आपके नंबर तो आप श्योर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा साइको की तैयारी के लिए। ठीक है, अब चलिए ओबीसी की बात करते हैं। कोलकाता का अगर ओबीसी का बात करें तो जिनके भी नंबर 42 से 47 के बीच में वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एससी की अगर बात करें तो एससी में अगर 40 से 44 जिनके भी नंबर हैं तो वो तैयारी को स्टार्ट करें, और एसटी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो एसटी की अगर बात करें तो एसटी में 37 से 41 जिनके भी नंबर हैं वो अपने तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अगले जून का बात करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में नंबर ऑफ वैकेंसी 1484 है फ्रेंड्स। यहां भी 11872 बच्चों को कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा साइको के एग्जाम के लिए। अगर बात करें यूआर की यहां बिलासपुर में, तो बिलासपुर में आपका कट ऑफ जो रहेगा यूआर का 47 से 51 के बीच में रहेगा फ्रेंड्स। ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो ओबीसी का 42 से 47 के बीच में रहेगा, 42 से 47 के बीच में। एससी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो एससी का आपका 38 से 44 के बीच में रहेगा, और एसटी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो 35 से 39 के बीच में जिनके भी नंबर है वो अपनी साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं 15 नंबर जोन के लिए, बात करते हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 2228 पोस्ट है, और साइको के लिए इसमें बच्चों को लिया जाएगा 17824 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। यूआर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो जिन्होंने भी यूआर में 45 टू 50 नंबर लाया है 45 से 50 के बीच में वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ओबीसी का बात करें तो 40 से 45 के बीच में जिन्होंने भी प्राप्त किया है अंक वो साइको की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। एससी का अगर बात करें तो 36 प्लस, और अगर एसटी की बात करें फ्रेंड्स तो एसटी में 34 प्लस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले जोन में। अगला जोन कौन सा है? गोरखपुर जोन है। गोरखपुर में देखिए नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 1681 नंबर ऑफ सीट है फ्रेंड्स। अगर बात करें साइको का तो साइको में 13448 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। यूआर में अगर बात करें तो यूआर में जिन्होंने 4651 नंबर लाया है उनको साइको के लिए कॉल आएगा, उनको बुलाया जाएगा, वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 41 से 46 जिनका भी नंबर है वो अपनी साइको की तैयारी स्टार्ट करें। अगर एससी का बात करें तो 38 टू 42 जिनके भी नंबर है वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और एसटी की अगर बात करें तो 35 टू 39 जिनका भी नंबर है वो अपनी साइको की स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। चलिए अगले जोन देखते हैं पटना जोन। पटना जोन में कितना नंबर ऑफ सीट्स था फ्रेंड्स? तो 720 नंबर ऑफ सीट्स था। यहाँ जो सिलेक्शन होगा 5760 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्याची के लिए साइको टेस्ट के लिए, साइको एग्जाम के लिए। यहाँ यूआर की अगर बात करें तो यहाँ भी यूआर की अगर बात करते हैं तो 44 से 50 के बीच में जिनका भी है वो तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी में जिनके नंबर 41 से 46 है वो सेफ है। एससी की अगर बात करें, एससी में फ्रेंड्स 38 से 41, और एसटी की अगर बात करें तो 35 प्लस जिनके नंबर हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। 18 नंबर जो जोन है वो जम्मू जोन है। जम्मू में 357 सीट्स था जिसमें 2856 बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, साइको टेस्ट के लिए, और यहाँ यूआर का जो जाएगा 45 प्लस जाएगा, 45 प्लस। ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी में 42 प्लस जाएगा, 42 से 46 के बीच में। और एससी की अगर बात करें तो एससी में फ्रेंड्स आपका 37 प्लस जाएगा, और एसटी का अगर बात करें तो एसटी में आपका 33 प्लस जिनके भी नंबर है वो अपने साइको की तैयारी कर सकते हैं। 19वां जो जोन है वो मुजफ्फरपुर जोन है। मुजफ्फरपुर में आप देखिए 456 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा साइको के लिए, 3648 बच्चों को कॉल किया जाएगा। और यूआर की अगर बात करें मुजफ्फरपुर में तो 44 से 52 जिनके भी नंबर है इसके बीच में है, या प्लस माइनस टू भी चलेगा। ठीक है, तो वो साइको की तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी का मुजफ्फरपुर जोन से, तो ओबीसी में 42 से 46 जिनके नंबर हैं, 42 से 47 के बीच में वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और एससी की अगर बात करें तो एससी की 38 से 41 जिनके नंबर हैं वो तैयारी स्टार्ट करें, और एसटी में 35 टू 39। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले जोन मालदा जोन से बात करते हैं। मालदा जोन में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 801 है। साइको के लिए कैंडिडेट को 6408 बच्चों को बुलाया जाएगा। यूआर का अगर बात करें तो यूआर में फ्रेंड्स यूआर का जाएगा 45 से 51 जाएगा। ठीक है, ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी का
ओबीसी का फ्रेंड्स मालदा में जाएगा आपका 40 से 46 जाएगा, ठीक है। और एससी की अगर बात करें मालदा जोन में, तो एससी का 38 से 44 जाएगा, 38+ रखिए ही, ठीक है। और एसटी में आप रखिए 35+ रखिए, ठीक है। चलिए सिलीगुड़ी का बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सिलीगुड़ी में अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 534 है, ठीक है। और आपका साइको के लिए कैंडिडेट को 4272 बच्चों को बुलाया जाएगा। और सिलीगुड़ी में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सिलीगुड़ी में 45 से 52 जिनके भी नंबर हैं वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ओबीसी का अगर बात करें तो 40 से 45 जिनके नंबर हैं वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। एससी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एससी में 39+ जिनके नंबर हैं वो साइको की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। एसटी में 37+ जिनके नंबर हैं वो अपने साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जो कि आपके स्कोर कार्ड आने के बाद मैंने आपको बताया। मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए बताया क्योंकि आपको जैसे पता है कि 16 तारीख से आपका साइको का एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको आपके मन में चल रहा होगा कि क्या हम मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो तैयारी करूं कि नहीं करूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, इसके अनुसार आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज और, यहाँ पे आपका विजन सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है। क्या चीज? विजन सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। मैं इस पर आपको एक वीडियो बना दूंगा जो जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो विजन सर्टिफिकेट आपको बनवाना है साइको एग्जाम देने से पहले, क्योंकि जब आप साइको एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे आपको विजन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगा फ्रेंड्स। तो विजन सर्टिफिकेट में कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट में चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर से आपको ये करवाना सिग्नेचर करवाना है कि गवर्नमेंट डॉक्टर से, सब कुछ मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है साइको की। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि आगे हम इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।